मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैसे तो अपने शांत और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे भी मौके आते हैं जब शिवराज सिंह चौहान भड़क उठते हैं। ऐसा ही एक वाकया प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी देखने को मिला। छिंदवाड़ा के उमरेठ में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिलने से शिवराज सिंह चौहान नाराज क्या हुए, प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौरई की सभा में छिंदवाड़ा कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा पर नाराजगी जताने लगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी नहीं उतरने देती, ममता दीदी के बाद अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ दादा उन्हें नहीं उतरने दे रहे हैं, सत्ता के मद में ऐसे चूर मत होइए। उन्होंने कलेक्टर को पिट्ठू तक कह दिया। अरे भाई, सत्ता के मद में ऐसे चूर मत हो, ये पिट्ठू कलेक्टर सुन ले रे, हमारे दिन भी जल्दी आएंगे, तब तेरा क्या होगा। वीडियो में शिवराज भले ही अपने अंदाज में कलेक्टर को कोस रहे हो, लेकिन कलेक्टर ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चौराई में शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर 5 बजे के पहले ही उतर गया था। वे उमरेठ में हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे, जिस एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है वहाँ शाम 5 बजे बाद हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं दी जाती है, लिहाजा अनुमति नहीं दी गई। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि वे चुनाव आयोग से इस बारे में शिकायत करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि वह भी चुनाव आयोग से शिवराज की शिकायत करेंगे। कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देने का मुद्दा अब सियासी हेलीपैड पर उतर गया है। देखना होगा कि इस मुद्दे को भाजपा किस तरह बुनाती है। रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।